हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद शुक्रवार को विधानसभा सत्र हुआ, जिसमें प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान ने विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान श्रुति चौधरी, मनदीप सिंह चड्ढा, आफताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, अर्जुन चौटाला, अक्रम खान ने अंग्रेजी में शपथ ली। वहीं कृष्ण बेदी, जगमोहन आनंद, रामकुमार कश्यप, ओम प्रकाश यादव, लक्ष्मण यादव और घनश्याम दास अरोड़ा ने संस्कृत में शपथ ली। इसके अलावा जनरल सिंह और शीशपाल कहरवाला ने पंजाबी में शपथ ली। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। सर्वसम्मति से हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष और डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को उपाध्यक्ष चुना गया। सत्र के शुरुआत से कांग्रेस और बीजेपी विधायकों में बहस होती दिखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभिभाषण पढ़ा तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि यह तो सरकार का भाषण सदन में पढ़ा दिया, मेरे पास बहुत कुछ बोलने को है मगर बोलूंगा नहीं। इस पर विज ने कहा कि हुड्डा साहब, जो आपके पास था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया है। इस पर हुड्डा तैश में आ गए और स्पीकर को कहा कि यह भाषा गलत है, यह तरीका गलत है, मैं अपने विधायक सदन से बाहर ले जाता हूँ। अनिल विज ने कहा कि जनता बड़ी होती है और उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इसी विवाद में मंत्री महिपाल ढांडा ने भी एंट्री ली तो बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान ने उन्हें टोका। तब ढांडा ने कहा कि मामा बैठ जा, हर बात ना टोका कर। इसके बाद रघुवीर कादियान ने कहा कि ढांडा मेरा भांजा लगता है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, तब भी यह उछला करता था, आज भी उछलता है। इस पर रामकुमार गौतम ने कहा कि रघुवीर बुढ़ा हो गया है, भांजे से कभी नहीं लड़ा जाता, इसका बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है। इसके बाद हुड्डा ने कहा कि स्पीकर महोदय, दो आदमियों को कसकर रखना, सदन अच्छा चलेगा, एक महिपाल ढांडा और दूसरा अनिल विज।